अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? अमना जावेद को आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ग्रुप में पूछिए, आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? अभी वैसे लोग भी बहुत थोड़े से आए हुए हैं, 5-6 लोग आए हैं तो। मैम आ रही है आवाज? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। कंजेनिटल का क्या मतलब होता है? बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, जो फीटस की डेवलपमेंट के दौरान उसके हार्ट में स्ट्रक्चरल कार्डियक डिफेक्ट्स बन जाते हैं, दैट आर कॉल्ड कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर जब उसकी फॉर्मेशन हो रही है एम्ब्रियोलॉजिकली, तो उसकी फॉर्मेशन में ही डिफेक्ट है। ठीक है, बाय बर्थ जो जो डिफेक्ट है, एडल्ट में एमआई होता है, एंजाइना होता है, एडल्ट में कार्डियोमायोपैथी होती है, एडल्ट में हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरट्रॉफिक
चेंजेस आते हैं हार्ट में, तो वो सारी क्या है, एडल्ट कार्डियक डिजीज है. ये क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है बाय बर्थ, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन द हार्ट दैट आर कॉल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स. तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स या बर्थ डिफेक्ट्स जो कि हार्ट में पाए जाते हैं, उनको देखने के लिए हमें पहले फीटल सर्कुलेशन को समझना बहुत जरूरी है. फीटल सर्कुलेशन इज नॉट लाइक द एडल्ट सर्कुलेशन. एडल्ट सर्कुलेशन तो आप सबको पता है कि किस तरह से है. देर आर सम मेजर डिफरेंसेज इन फीटल सर्कुलेशन एंड एडल्ट सर्कुलेशन. ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें प्लेसेंटा, इसमें से थ्री वेसल्स जो हैं वो फीटस के अंदर जा रही हैं और थ्री वेसल्स ही जो फीटस के उससे बाहर आके प्लेसेंटा में मर्ज हो रही है. वो थ्री वेसल्स क्या है, नंबर वन जो एक बड़े वाइड ओपनिंग होती है, बड़ी वाइड वेसल होती है, वो फीटल वेन है, सिंगल अम्बिलिकल वेन. ठीक है, सिंगल अम्बिलिकल वेन है और जो टू है वो आर्टरीज है. ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरीज. तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें जो थ्री वेसल्स होती हैं, जब बेबी पैदा होता है तो हम चेक भी करते हैं कि थ्री वेसल्स हैं कॉर्ड में कि नहीं. अगर एक वेसल मिसिंग हो तो वो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ रिलेटेड होती है. तो आप जो है एज अ नॉर्मल जो है एक अच्छी प्रैक्टिस के, आप जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कॉर्ड को आप देखते हैं कि आया वहां पे थ्री वेसल्स हैं, कम तो नहीं है. तो कई दफा ये होती है कि एक अम्बिलिकल आर्टरी कम होती है, दैट इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन द बेबी. तो इसमें दो आर्टरीज होती है और एक वेन होती है. और एक उसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो वेन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये जो आर्टरीज है इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ये जो आर्टरीज है ये वैसे तो एओर्टा के साथ कनेक्ट हो रही है बट इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो वेन है ये इंफीरियर वेना कैवा के साथ कनेक्ट हो रही है लेकिन इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो फीटल सर्कुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट सर्कुलेशन. दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है कि आपको पता है कि जो इंफीरियर वेना कैवा है और सुपीरियर वेना कैवा है, ये दोनों राइट हार्ट में ओपन होती है. ठीक है, राइट एट्रियम में ओपन होती है. राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में फीटल सर्कुलेशन में फोरामेन ओवेल एक कम्युनिकेशन होती है, जो कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो वो कम्युनिकेशन पहले फंक्शनली बंद होती है फिर स्ट्रक्चरली बंद होती है. अच्छा, वो कम्युनिकेशन है क्या, क्यों है? बात ये है कि लंग्स जो हैं वो इंट्रायूटराइन लाइफ में अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो पहले डिवेलप ही नहीं हुए हुए और फिर जब डिवेलप हुए हैं तो वो फंक्शनल नहीं है. ऑक्सीजनेट किसने करना है ब्लड को, लंग्स ने एडल्ट लाइफ में, लेकिन फीटल लंग्स काम नहीं कर रहे. ठीक है, उसमें ऑक्सीजनेट किसने करना है, प्लेसेंटा ने. प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेन आएगा और सारी फीटल बॉडी में फिरने के बाद जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आर्टरीज अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू प्लेसेंटा को वापस चला जाएगा. यहाँ लंग्स का फंक्शन कौन कर रहा है, प्लेसेंटा, क्योंकि लंग्स है नॉन फंक्शनल, पहले वो डिवेलप ही नहीं हुए. 24 वीक्स पे लंग्स की डिवेलपमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है लेकिन उसके बाद उस तब तक सर्फेक्टेंट नहीं होता. ठीक है, तो यानी कि स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट नहीं होता और फिर वो फंक्शनल नहीं होते. एनी हाउ पूरे जो इंट्रायूटराइन लाइफ है उसमें लंग्स का ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड में कोई रोल नहीं है. तो अब लंग्स को कोई ब्लड जाना चाहिए, नहीं, उसने अपना काम ही नहीं करना तो उसको ब्लड क्यों देना है. ठीक है, तो वहां से सारे ब्लड को शंट करने के लिए दो शंट बनी हुई है फीटल सर्कुलेशन में. एक तो ये फोरामेन ओवेल जिससे राइट एट्रियम का ब्लड जो है वो राइट जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल और वहां से टोटा में चला जाएगा. लंग्स को जो है वो हमने बाईपास करना है. दूसरी कम्युनिकेशन क्या है कि जो ब्लड थोड़ा बहुत पल्मोनरी वेसल में पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, अभी पल्मोनरी आर्टरी के क्या आगे होता है, लंग्स होते हैं. ठीक है, तो वहां से भी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भी डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए वो एओर्टा में चला जाएगा, जो है दूसरी सर्कुलेशन में चला जाएगा, लंग्स को बाईपास कर देगा. तो ये दो शंट्स हैं, डक्टस आर्टेरियोसिस और फोरामेन ओवेल, जो कि फीटल सर्कुलेशन में काम करती हैं और एडल्ट में ये क्लोज हो जाती हैं. जैसे ही बच्चा फर्स्ट ब्रेथ लेता है ये दोनों कम्युनिकेशंस का काम खत्म हो जाता है. लंग्स ने अब अपना काम शुरू कर दिया. नाउ दे विल ऑक्सीजनेट ब्लड, नाउ ब्लड विल बी डिलीवर टू लंग्स, ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड देयर एंड रिटर्न टू जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो इस तरह से ये सारा काम जो है वो चलेगा. तो ये जो एडल्ट सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन में जो डिफरेंसेज हैं वो आपको देखने बहुत जरूरी है. प्लेसेंटा से ब्लड आया, इंफीरियर वेना कैवा में गया. इंफीरियर वेना कैवा कहाँ ओपन करती थी, राइट एट्रियम. ठीक है, राइट एट्रियम से नॉर्मल क्या होता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, वहां से पल्मोनरी आर्टरी, वहां से फिर लंग्स को चला जाता है. लेकिन यहाँ पे भी हमने लंग्स को नहीं भेजना ना, तो यहाँ पे फिर पल्मोनरी आर्टरी से क्योंकि लंग्स में चला जाएगा लिहाजा वहां एक और शंट डक्टस आर्टेरियोसिस मौजूद है. कम्युनिकेशन बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी. तो जो ब्लड जो है वो लंग्स में जाना था वो इस डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू शंट होके एओर्टा में चला जाएगा, लंग्स को फिर बाईपास कर देगा.
एओर्टा कहाँ भेजेगा? लोअर एक्सट्रीमिटीज में, और वहां से लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड थ्रू प्लेसेंटा को वापस भेज देगा, ठीक है। एक ये सर्कल पूरा होगा, और दूसरा क्या है, एक शंट यहाँ पे काम कर रही है, और दूसरी क्या है, राइट एट्रियम से, क्योंकि फोरमेन ओवेल भी है राइट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, जो कि नॉर्मली एडल्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फोरमेन ओवेल के थ्रू जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विद द एओर्टा, जो वहां से एओर्टा और हेड एंड नेक, और वहां से सुपीरियर वेना कैवा के जरिए रिटर्न होकर राइट एट्रियम में वापस आ जाएगा थ्रू सुपीरियर वेना कैवा। तो ये जो दो शंट्स, एक यहाँ पे काम कर रही है, एक यहाँ पे काम कर रही है, फोरमेन ओवेल और डॉक्टर सार्डियोसिस, यही दोनों डिफेक्ट्स अगर क्लोज ना हो तो ये कंजेंटल हार्ट डिजीज बन जाती है। जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों क्लोज हो जाएं। तो एज अ डिफेक्ट, इफ दे विल नॉट क्लोज, इट विल रिजल्ट इनटू एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इट विल रिजल्ट इनटू पेटेंट डॉक्टर सार्डियोसिस। तो दो कंजेंटल हार्ट का तो आपने यहीं पे देख लिया कि उनकी रीजन क्या बनती है। सो यू शुड स्टडी इन डिटेल द डिफरेंसेस अबाउट फीटल एंड एडल्ट सर्कुलेशन। तो आपको कंजेंटल हार्ट डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब कंजेंटल हार्ट डिजीज जो है वो कितने टाइप्स की है? देयर आर टू मेजर क्लासेस, साइनोटिक एंड एसाइनोटिक। साइनोटिक वो जिनमें साइनोसिस होता है। साइनोसिस क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ पेरिफ्री जो है लिम्स या टंग या टिप ऑफ नोज या टिप ऑफ मतलब एयर लोब्यूल्स। सेंट्रल साइनोसिस होता है, पेरिफेरल साइनोसिस होता है, वो आपको पता है। तो साइनोसिस में क्या होता है? हाइपोक्सीमिया। बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब होता है तब साइनोसिस जाहिर होता है, ठीक है। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज जो है वो ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, वो ज्यादा सीरियस कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू ए साइनोटिक, जिनमें साइनोसिस नहीं होता। तो ए साइनोटिक को हम पिंक बेबी भी कह देते हैं और साइनोटिक को हम ब्लू बेबी भी कह देते हैं। ए साइनोटिक की एग्जाम्पल्स क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आती हैं अंडर द हेडिंग ऑफ ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, ए साइनोटिक कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स। और दूसरी जो है वो साइनोटिक है, उनमें क्या क्या आता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीजेस। और कौन सी ज्यादा सीवियर होती है, किनका प्रोग्नोसिस ज्यादा बुरा होता है? साइनोटिक हार्ट डिजीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो एट्रियम जो है, दोनों जो एट्रिया थे, कार्डियक चैम्बर्स कितने हैं? 4, ऊपर 2 एट्रिया है, नीचे 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में नॉर्मल एडल्ट में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, वहां इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, ठीक है, सेप्टम पर्दा, इंटर एट्रियल दोनों एट्रिया के दरमियान। तो इंटर एट्रियल सेप्टम में ये डिफेक्ट होता है, सुराख होता है या डिफेक्ट होता है, जिसे कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, ASD। इट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग, ठीक है, नॉर्मली ये ओपनिंग नहीं होती, नॉर्मल बंदे में एट्रियल सेप्टल में कोई डिफेक्ट नहीं होता। सो इट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग इन द एट्रियल सेप्टम। इसकी वजह से फिर होगा क्या? हमें पता है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेशर ज्यादा है, राइट साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेशर कम है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो वो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल मेन कार्डियक पंपिंग फोर्स बनाता है ना, क्योंकि उसने एओर्टा में पूरी बॉडी में उसको पुश करना है, ठीक है। पता नहीं कितने 7000 कितने किलोमीटर्स बनता है अगर हमारी सारी जो वेसल्स हैं, कैपिलरीज, एवेन्यूज हैं, इनको सीधा किया जाए, इतने डिस्टेंस तक उसने ब्लड को पंप करना है, पुश करना है, तो वो तो बड़ी पूरी फोर्स लगाएगा। सो लेफ्ट साइड पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है, राइट साइड पे प्रेशर जो है वो कम है, तो ब्लड किधर जाएगा? ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट से राइट शंट होगी। पहले स्टार्ट में इंटरएट्रियल डिफेक्ट हो या इंटरवेंट्रिकुलर डिफेक्ट हो, दोनों में स्टार्ट में लेफ्ट टू राइट शंट होगी, क्योंकि लेफ्ट पे प्रेशर ज्यादा है, राइट पे प्रेशर कम है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ शंट जाएगी। इसका मतलब है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से साइनोसिस तो नहीं होगा ना। डीऑक्सीजनेटेड थोड़ा सा जो है वो मिक्स हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो दोबारा ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ठीक है। मसला कब होगा? कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के साथ जब शंट रिवर्सल होगा तब मसला होगा। शंट रिवर्सल कब होगा? देखें, ये जो ओपनिंग है इंटर एट्रियल ओपनिंग, एट्रियल सेप्टम के अंदर जो डिफेक्ट है, इट अलाउज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू मिक्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम जो कि रिसीव कर रहा था ब्लड सुपीरियर वेना कैवा से, इंफीरियर वेना कैवा से, तो अब वो और प्लस कहां से ब्लड रिसीव करेगा? फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। अब उसमें सुपीरियर वेना कैवा से भी आ रहा है, इंफीरियर वेना कैवा से भी आ रहा है, और डिफेक्ट की वजह से लेफ्ट एट्रियम से भी आ रहा है। ये सारा ब्लड कहाँ जाना है? लंग्स में। पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज,
तो पल्मोनरी वेसल जो है वो कब तक इस इंक्रीज ब्लड फ्लो को बर्दाश्त करेंगे, फाइनली ये कि वो फेल हो जाएंगी, देयर विल बी पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, देयर विल बी पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब हो जाएगी तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा, पहले क्या था लेफ्ट साइड प्रेशर ज्यादा था राइट पे कम था, अब जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से और इंक्रीज्ड रहने की वजह से पल्मोनरी कंजेशन रहने की वजह से राइट साइड पे भी प्रेशर पहले बराबर होगा और फिर राइट साइड का प्रेशर लेफ्ट से भी बढ़ जाएगा, अब क्या होगा शंट रिवर्सल, ठीक है, अब लेफ्ट से ब्लड जो है वो पहले राइट को आ रहा था अब राइट से लेफ्ट को जाएगा, अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट के साथ मिक्स होगा अब साइनोसिस होगा, ठीक है। तो पहले ले रहा था सुपीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा से, अब लेफ्ट एट्रियम से भी लेगा और इस तरह से वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा और पल्मोनरी नहीं देखो साइनोसिस तो फिर उससे होगा ना, मिक्सिंग ऑफ ब्लड जब होगी, पहले क्या हो रहा था कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में आ रहा था वो दोबारा ऑक्सीजनेट हो जाता, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब मिक्स होगा और ज्यादा मिक्स होगा तो फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होगा फिर साइनोसिस आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर इसके टाइप्स हैं ऑस्टियम सेकंडम के कहाँ पे डिफेक्ट होता है, तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट, साइनस विनोसिस के कुछ डिफेक्ट जो है वो सुपीरियर वेना कैवा की एंट्री के ऊपर जाहिर होते हैं, कुछ जो है वो सेप्टम के दरमियान में होते हैं और कुछ जो है वो इंफीरियर एस्पेक्ट पे होते हैं, तो दीज थ्री आर टाइप्स ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, ऑस्टियम सेकंडम, ऑस्टियम प्राइमम, साइनस विनोसिस, इसकी जो है ना एम्ब्रियोलॉजिकल डिवेलपमेंट उसके दौरान ये डिफेक्ट्स रह जाते हैं, ठीक है, और आफ्टर बर्थ ये क्लोज नहीं होते, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द डिफेक्ट, छोटा डिफेक्ट है साइन एंड सिम्टम्स इतने नहीं आएंगे, हो सकता है कि बच्चा जो है वो बड़ा हो जाए स्कूल गोइंग एज तक पहुंच जाए या ट्वेंटीज में चला जाए मतलब टीन एज में चला जाए, तब तक जो है वो क्योंकि इतना छोटा सा डिफेक्ट था कि उसके सिम्टम्स नहीं आए, ठीक है, लेकिन अगर साइज डिफेक्ट का बड़ा, जितना बड़ा साइज होगा डिफेक्ट का, ठीक है, 3 mm, 8 mm, 8 mm से ज्यादा वाले जो डिफेक्ट्स होते हैं वो जल्दी सिम्टोमेटिक होते हैं, 8 mm से कम वाले जो होते हैं वो देर से सिम्टोमेटिक होते हैं, तो उसमें सारे ही कार्डियक जो डिफेक्ट्स हैं उसमें ये सारे सिम्टम्स आएंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वास्कुलर जो है ब्लड सप्लाई लंग्स की ज्यादा होगी ना, और हाइपोक्सीमिया होगा कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट में, खासतौर पर जब एक्टिविटी बच्चा शो करेगा, बच्चे छोटे बच्चे की एक्टिविटी क्या है, रोना, बच्चा जब रोएगा तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, रोएगा तो माँ कहती है कि जब ये रोता है या जब ये दूध पीता है तो इसको सांस चढ़ जाता है, ठीक है, तो फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पेल्पिटेशन, स्वेटिंग, ये थोड़े बड़े बच्चे में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, वो जब खेलता है, प्लेइंग, ईटिंग, नॉर्मल मतलब अगर बड़ा डिफेक्ट है नॉर्मल एक्टिविटी पे और अगर छोटा डिफेक्ट है तो खेलने पे, दौड़ने भागने पे बच्चे को सांस फूलता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है, सिम्टोमेटिक होता है, और ग्रोथ रिटार्डेशन सारे ही कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स वाले बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, ठीक है। इन्फेंट गेट टायर्ड ड्यूरिंग फीडिंग, और बड़ा बच्चा जो है ड्यूरिंग प्लेइंग एंड ईटिंग देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग, फटीग क्यों होगी, कार्डियक आउटपुट लो होगा ना, जब शंट जो है ब्लड की हो रही है कार्डियक आउटपुट व्हेन इट इज लो बेबी विल एक्सपीरियंस फटीग, स्वेटिंग लो ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, और पेल्पिटेशन क्या है, अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट, थोड़ा बड़ा बच्चा जो है ये कंप्लेंट करेगा क्योंकि दिल मेरा बहुत जोर से धड़कता है, ग्रोथ रिटार्डेशन सब कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स वाले बच्चों में होंगी, ठीक है, छोटा बच्चा जो है वो क्राइंग और फीडिंग पे सिम्टम्स शो करेगा बड़े डिफेक्ट की सूरत में, और जो बड़ा बच्चा है वो वाइल्ड प्लेइंग वाइल्ड ईटिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शो करेगा। अच्छा अब अगर एएसडी को ऑस्कल्टेट करें तो S1 उसमें आपको पता है देर आर टू जो कार्डियक हार्ट साइन ज्यादा सुनाई देती है लुप डुप वो S1 और S2 है, S3 और S4 भी सुनाई दे सकती है पैथोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली, ठीक है, तो S1 इसमें नॉर्मल होगी, और S2 के बारे में आप जानते हैं कि S2 के दो कंपोनेंट्स होते हैं A2 और P2, ठीक है, S1 जो है वो स्प्लिट नहीं होती, S1 एक सिंगल साउंड होती है, जबकि S2 जो होती है वो नॉर्मली नॉर्मल लोगों में भी एक स्प्लिटेड साउंड होती है, उसमें स्प्लिटिंग होती है नॉर्मली, लेकिन इन केस ऑफ ASD वो स्प्लिटिंग जो है वो वाइड स्प्लिटिंग होगी और फिक्स होगी, ठीक है, यानी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में एक जैसी स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग जो है वो वाइड होगी, और उसका जो P2 कंपोनेंट है, S2 किसमें स्प्लिट होती है, A2 एओर्टिक कंपोनेंट और P2 पल्मोनरी कंपोनेंट, ठीक है, तो P2 जो है वो A2 की निस्बत और ज्यादा लाउड होगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो ज्यादा, ठीक है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, इसका क्या मतलब है, मर्मर क्या होते हैं, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, मर्मर इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड,
इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर का क्या मतलब है कि सिस्टली में जब इजेक्शन का फेज होता है बिल्कुल स्टार्ट में ये मर्मर आता है, बिल्कुल स्टार्ट में ये मर्मर आता है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में आता है, इजेक्शन के टाइम पे आता है, जब ब्लड की इजेक्शन होती है ब्लड से हार्ट से, ठीक है। तो S1 जो है वो नॉर्मल होगी, S2 जो है वो सप्लिटेड होगी, लेकिन ये सप्लिटिंग कैसी होगी, वाइड सप्लिट एंड फिक्स विद P2 एक्सेंचुएटेड, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर हमें सुनाई देगा। इसके अलावा हर कंजेंटल हार्ट डिजीज को डायग्नोज करने के लिए ये तीन इन्वेस्टिगेशन आपको बहुत काफी है, क्या, चेस्ट एक्सरे, एकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, एकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। चेस्ट एक्सरे में यहाँ पे एएसडी में क्या आएगा, हमें कार्डिक शेडो थोड़ा एनलार्ज्ड मिलेगा, क्यों, राइट एट्रियम का ब्लड फ्लो ज्यादा था ना, तो उसकी वजह से राइट एट्रिया का साइज बड़ा हुआ होगा, ठीक है। दूसरी क्या चीज हमें नजर आ रही है कि पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग्स जो है वो एक्सेंचुएटेड है, ज्यादा वाजे नजर आ रही है, क्यों, उसमें ब्लड फ्लो ज्यादा था ना, इस वजह से। तो चेस्ट एक्सरे पे हमें ये दो चीजें नजर आएंगी जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है, कार्डिक शेडो एनलार्ज्ड होगा, कार्डियोमेगली इसको बोलते हैं, कार्डियोमेगली विद ए लार्ज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड ले रहा है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से भी ले रहा है राइट एट्रियम, राइट साइड ऑफ द हार्ट पे वॉल्यूम ओवरलोड है, इस वजह से वो एनलार्ज हो जाएगा और एक्सरे पे शो होगा। एक्यू में क्या होगा, पोजिशन, साइज एंड साइंस ऑफ लेफ्ट टू राइट शंट, सारी डिटेल हमें डिफेक्ट की और कौन सा चैम्बर कितने साइज का है और शंट कितने ब्लड की हो रही है, ये सब हमें पता चल जाएगा, एकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द हार्ट, ईसीजी चेंजेस स्पेसिफिक टू एएसडी वी विल सी, ठीक है। तो इन तीन इन्वेस्टिगेशंस पे सारी ही कंजेंटल हार्ट डिजीज को आप डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीछे आपने क्लिनिकल फीचर्स देखे, उसके अलावा आपने जो है साइन एंड सिम्टम्स के अलावा आपने जो है वो देखा कि ऑस्कल्टेशन पे क्या फाइंडिंग होंगी, तो इन चीजों को मिला के डायग्नोसिस हो जाएगा। अब आ जाए मैनेजमेंट पे, तो अगर तो छोटा डिफेक्ट है तो नेचर को देखने दे कि नेचर क्या करती है उसके साथ, लेकिन ये नहीं कि आधार छोड़ देना, उस बच्चे को आप फॉलो अप पे रखेंगे, उसके फीचर्स को मॉनिटर आप करते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चा छोटा सा है, छोटा सा कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है, छोटा सा इन केस ऑफ एएसडी, वीएसडी वगैरह खुद बंद नहीं होते, जो एएसडी है ना उसमें ये कि हार्ट का साइज बढ़ता है, तो मसल्स जो है वो खुद ब खुद भी क्लोजर, स्पॉन्टेनियस क्लोजर भी हो सकता है हार्ट डिफेक्ट का। तो इसलिए एएसडी जब तक के बहुत बड़ा ना हो, सिम्टोमेटिक ना हो, स्कूल गोइंग एज तक उसका वेट करते हैं स्पॉन्टेनियस क्लोजर होने का। उस दौरान क्या करना है, अगर कोई सिम्टम्स है बच्चे को, डाइजॉक्सिन कॉन्ट्रेक्टिलिटी अच्छी करने के लिए, डायूरेटिक्स जो हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन देते हैं वो अगर जरूरत है तो वो देते हुए, और कोई सिक्स मंथ के बाद, कोई वन ईयर के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स, ठीक है, तो उसको जो है वो बार बार देखते रहें, फॉलोअप के ऊपर रखें, और स्पॉन्टेनियस क्लोजर के लिए उसको मॉनिटर करें, और अगर जरूरत है तो मेडिसिन दे दें, ठीक है। और जो है वो एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये जो मेडिकल मैनेजमेंट है ये देते हुए 3 to 8 mm के दरमियान जो डिफेक्ट होते हैं या जो उनसे छोटे होते हैं, सपोर्टिव मेडिकल मैनेजमेंट दी जाती है, डिजडाइरोक्सिन और प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, और फिर स्पॉन्टेनियस क्लोजर के लिए हम वेट करते हैं। अब बच्चा हो गया स्कूल गोइंग या डिफेक्ट है बड़ा, स्पॉन्टेनियस क्लोजर नहीं हुआ, तो अब जो है वो पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं करनी ना, लंग्स को खराब तो नहीं करना ना, तो फिर सर्जरी। सर्जरी के लिए दो रास्ते हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के, जैसे हमने एंजियोग्राफी के बारे में पढ़ा था कि ब्रेकियल और रेडियल आर्टरी से जाएंगे और इस तरह, ठीक है, तो उसी के जरिए जो है वो एओर्टा, एओर्टा से आप वेंट्रिकल में जाके तो सेप्टम को भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा है कि ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये दोनों इंटरवेंशन है, अगर तो एक्सपर्टीज अवेलेबल हो तो जो है इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट वो वाला काम जरूर कराना चाहिए, क्योंकि स्किन इंसिजन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, कम रिस्क होता है उसमें एज कम्पेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी। तो सर्जिकल डिफेक्ट को किससे रिपेयर करेंगे, या तो स्टिचेस लगाएंगे, लेकिन अगर डिफेक्ट थोड़ा बड़ा है उससे टेंशन हो रही है, तो फिर पेशेंट की पेरिकार्डियम या बोवीन पेरिकार्डियम या सिंथेटिक मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ गोरटेक्स या डिक्रॉन, ये सारी ऑप्शंस हैं, इन चीजों के जरिए हम उस डिफेक्ट को क्लोज कर सकते हैं, उसको रख के इर्द गिर्द स्टिचेस लगा दें, ठीक है। तो इन सारे तरीकों से उस डिफेक्ट को सर्जिकली क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसका फिर जो है प्रोग्नोसिस अच्छा है, ठीक है, 95% प्रोग्नोसिस है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिस तरह एएसडी था उस तरह वीएसडी है, वहां पे इंटर एट्रियल सेप्टम में डिफेक्ट था, यहाँ पे इंटर
वेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट है. सो इट विल अलाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा है, राइट पे कम है, टू मिक्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल. शुरू में लेफ्ट टू राइट शंट, जिसकी वजह से साइनोसिस नहीं होता इन द स्टार्ट. बट राइट नाउ राइट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. से भी आ रहा है वो राइट वो वेंट्रिकल से भी आ रहा है, वो एट्रियम से भी आ रहा है, ठीक है, लीडिंग टू वॉल्यूम ओवरलोड. और ये सारा राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाना कहाँ है, लंग्स में. तो ये सारा इंक्रीज वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा, लंग्स में. तो पल्मोनरी कंजेशन होगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, रिस्क ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड वास्कुलर डैमेज होगा, ठीक है. तो बीएसडीज आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग. जो डायबिटिक मदर्स होती हैं उनमें कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट का रिस्क ज्यादा होता है, और ज्यादातर उनमें जो कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट होता है वो ये बीएसडी होता है. अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है, अकरिंग इन 14. ये हो सकता है कि कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट में ये कॉमन हो और 14-17% हो, लेकिन टोटल न्यूनेट 100 न्यूनेट में से 14-17% इनको नहीं होता, ठीक है. ये क्योंकि वो लेक्चर था, मैंने बड़ा अच्छा सेटिंग से लिया था. तो ये जो चीज है ना, ये गलत है कि कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट अकर इन 14-17% ऑफ द न्यूनेट्स पर ईयर, ठीक है, ये गलत है. अच्छा, बहरहाल इसकी भी आगे से टाइप्स है. सुप्राक्रिस्टल मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर, के मस्कुलर जो है वो जो उसकी मस्कुलर वॉल होती है उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे डिफेक्ट्स होते हैं. और ये फिर इसकी टाइप्स हैं. खैर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मतलब है, वीएसडी का मतलब है वेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट, वो जहां भी है, ठीक है. उसका किस तरह से वो प्रेजेंट करेगा साइन एंड सिम्टम्स, यहाँ पे भी साइज ऑफ द डिफेक्ट के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं. छोटा डिफेक्ट है, कम साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, देर से आएंगे. बड़ा डिफेक्ट है, पहले चंद हफ्तों में ही आ जाएंगे, ठीक है. तो साइन एंड सिम्टम्स कब आएंगे, कितने आएंगे, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द डिफेक्ट. बड़ा डिफेक्ट है, जल्दी साइन एंड सिम्टम आएंगे. छोटा डिफेक्ट है, कम साइन एंड सिम्टम्स आएंगे और डिलेड आएंगे, थोड़ी देर से आएंगे, ठीक है. क्योंकि जो है इन्फेंट ने तो दो ही काम करने हैं ना, या उसने खाना है या उसने रोना है, ठीक है. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, एक्टिविटी शो करेगा, तो तब तब जो है वो डिफेक्ट तब फिर डायग्नोज होगा. बड़ा डिफेक्ट है वो तो न्यूनेट में ही पता चल जाएगा इसमें है. अच्छा जी, इन्फेंट्स विद मॉडरेट टू लार्ज डिफेक्ट विल बिकम सिम्टोमेटिक विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ, ठीक है. जिनका लार्ज डिफेक्ट है या जिनका दरमियाने साइज का है, मॉडरेट साइज का है, उनका शुरू में ही पता चल जाएगा. और क्या सिम्टम्स सब में एक जैसे ही होंगे, कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट में क्या सिम्टम्स होंगे, वीकनेस, फटीग और साइनोसिस ड्यूरिंग क्राइंग, और जब SOB मेनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग ईटिंग प्लेइंग क्राइंग, जैसे भी बच्चे की एज है, ठीक है. पुअर ग्रोथ सब में होगी, पुअर फीटल वेट गेन या पुअर फीटल ग्रोथ कह लें या पुअर फीटल वेट गेन कह लें, सब में होगा. फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ऐसी चीज है जिससे अक्सर कार्डियक डिजीज डायग्नोज की जाती है. बार बार बच्चा चेस्ट इन्फेक्शन के साथ जब आता है तो डॉक्टर कहता है कि इसकी एकोकार्डियोग्राफी करवा रहे, उसको एग्जामिन भी करता है, अच्छा पीडियाट्रिशियन उसको क्लिनिकली भी डायग्नोज कर लेता है, लेकिन फिर वो इन्वेस्टिगेशन भी कंफर्म करने के लिए चाहिए होती है. क्यों, पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा था ना, तो उसकी वजह से लंग्स की नेचुरल फिजियोलॉजी नॉर्मल तो नहीं रहती, तो ये बार बार जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं. इस एक चीज जो नॉर्मल है, अच्छी बनी हुई है, उस पर बैक्टीरिया कम हमलावर होंगे. एक चीज जो उसके उसमें पहले से उसकी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी खराब है, तो उसमें फिर ज्यादा इन्फेक्शन आएंगे. तो फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से PDA भी डायग्नोज होता है, VSD, SD भी डायग्नोज होते हैं, ठीक है. अच्छा, इसके बाद अगर शंट रिवर्सल हो जाए तो क्या होता है, साइनोसिस, क्लबिंग एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. साइनोसिस तो होता ही है, वो मैंने आपको बता दिया. क्लबिंग क्या था कि ये जो फिंगर क्लबिंग, ये सारी ही जो लंग की डिजीजेज या जो डिजीजेज हाइपोक्सीमिया हाइपोक्सिया करती हैं उनमें क्लबिंग देखने को मिलती है, ठीक है. और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का क्या मतलब होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ SOB, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है. तो ये शंट रिवर्सल जब हो जाएगा तब ये चीजें होंगी. ऑस्कल्टेशन पे हमें पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा, सारी सिस्ट्री. पैन का क्या मतलब होता है, सारे का सारा. पैन सीटी, सारी बॉडी का सीटी. तो पैन सिस्टोलिक के पूरी सिस्टली में मर्मर. मर्मर क्या है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक है, पूरी की पूरी. S1 इज मास बाय द मर्मर, तो पूरी सिस्टली में मर्मर है. तो S1 क्या था, वो AV वेल्व के ओपनिंग से पैदा होने वाली आवाज थी, ठीक है, ओपनिंग से या क्लोजर से, ठीक है. भारत AV वेल्व जो है उनसे पैदा होने वाली आवाज थी S1, क्लोजर से. ओपनिंग साइलेंट होती है, क्लोजर आवाज के साथ होते है ना, हाँ क्लोजर. तो जो है ना वो S1 क्या थी, AV वेल्व के क्लोजर से पैदा होने वाली आवाज थी. तो वो उसमें पैन सिस्टोलिक मर्मर, पूरी सिस्टोलिक मर्मर है उसमें, वो S1 मास्क हो जाएगा.
और S3 हमें एपेक्स पे सुनाई दे सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें अब एक स्पेशल चीज क्या नजर आ रही है, ये अगले लेक्चर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें एपेक्स या माइट्रल एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, और हमें ट्राइकस्पिड एरिया नजर आ रहा है। ये हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम है, ये हमारी राइट साइड ऑफ द स्टर्नम है, ठीक है। इसके अलावा हमें एओर्टिक एरिया नजर आ रहा है और हमें पल्मोनरी एरिया नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमें कार्डियक एरियाज नजर आ रहे हैं जिन पे हमें ऑस्कल्टेशन ज्यादा ध्यान से करनी है, वैसे तो पूरी प्रीकॉर्डियम पे करनी है लेकिन इन एरियाज पे जरा ज्यादा ध्यान से करनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो चेस्ट एक्सरे पे कार्डियोमेगली एंड इंक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग, वही फाइंडिंग जो हमें ASD में मिली थी वो हमें यहाँ पे भी मिलेंगी। ट्रीटमेंट क्या है मेडिकल मैनेजमेंट में, वही डाइजॉक्सिन डायुरेटिक, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर बच्चे को रखें, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक नॉर्मल बच्चे के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो एक डिजीज वाला बच्चा है जिसको ग्रोथ रिटार्डेशन भी है, तो इसके लिए अच्छी से अच्छी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। सप्लीमेंटल ट्यूब फीडिंग, अगर बच्चा नहीं ही लेता तो सप्लीमेंटल ट्यूब फीडिंग पर भी इसको डाल सकते हैं। फिर जो है वो इसका सर्जिकल रिपेयर, क्लोज्ड स्टिचेस और स्पेशल पैच, या तो स्टिच लगा के, लेकिन अगर डिफेक्ट बड़ा है तो पैच लगा के भी। इंटरवेंशनल कार्डियक कैथेटराइजेशन, सेप्टल ऑक्लूडर, ठीक है। ये क्या है कि परकुटेनियस गए और जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक पहुंच के, तो वहां पे सेप्टल ऑक्लूडर इंजेक्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर डिफेक्ट बड़ा है तो ओपन हार्ट सर्जरी, आउटकम ऑफ सर्जरी 95% सक्सेस रेट है। बहुत, इसका क्या मतलब होता है कि 5% तो फिर या डेथ हो जाएगी या जो है वो प्रोसीजर फेलियर, ठीक है। तो 95% सक्सेस रेट का ये मतलब है कि 5% में या कॉम्प्लिकेशन या मोर्टेलिटी भी हो सकती है। ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड कैचेज अप इन 1 to 2 years, एक दो साल में बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो जाती है, और जो हार्ट का साइज बढ़ा हुआ था टाइमली ट्रीटमेंट हो गई ना, वो भी रिड्यूस हो जाता है, और शंट तो जाहिर गायब भी हो गई, और जो है इसके अलावा मर्मर कुछ अरसे तक सुनाई देते रहते हैं लेकिन उनका कोई मसला नहीं है, उनकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी चले जाएंगे। ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड विल कैचेस अप इन 1 to 2 years, और बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगेगा, ठीक है। मर्मर सुनाई देते रहेंगे लेकिन उसका कोई मसला ऐसा नहीं है, उनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। शुरू में हमने क्या पढ़ा कि डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो एक शंटिंग ऑफ ब्लड के लिए वहां पे मौजूद है, कम्युनिकेशन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, ठीक है। अब ये हमें फीटल सर्कुलेशन में, फीटल लाइफ में तो चाहिए कि लंग्स को ब्लड ना जाए, जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आया है राइट वेंट्रिकल से वो एओर्टा में चला जाए इसके जरिए, लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया और लंग्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया तो ब्लड फिर जाता है लंग्स को, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को जाता है, इसमें ब्लड नहीं जाता। तो जब इसमें ब्लड नहीं जाता तो इसका फंक्शनल क्लोजर हो जाता है और अगले 2-4 दिनों में इसका स्ट्रक्चरल क्लोजर भी हो जाता है। लेकिन जो बच्चे जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, उसमें ये ज्यादा होता है। ग्रोथ रिटार्डेड बच्चों में, प्रीमेच्योर डिलीवरी वाले बच्चों में, रूबेला वायरस के इन्फेक्शन में, इन सारे केसेस में ये पेटेंट रह जाती है, ठीक है। तो डक्टस आर्टेरियोसिस, देयर आर प्रोस्टाग्लैंडिंस इन द वॉल ऑफ दिस डक्टस आर्टेरियोसिस जो कि इसको पेटेंट रखते हैं, ठीक है। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी को थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स ज्यादा देंगे तो ये इंट्राउटराइन लाइफ में क्लोज नहीं हो जाएगी। मैंने कहा कि प्रोस्टाग्लैंडिन इसकी वॉल में जो इसको ओपन रखते हैं, पेटेंट रखते हैं। ये क्यों पेटेंट रखती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन इट्स वॉल। तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर दे देंगे इंट्राउटराइन लाइफ में, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो इसको पेटेंट रख रहे थे उनको हम इनहिबिट कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, तो इंट्राउटराइन लाइफ में। इसलिए कहते हैं कि 32 वीक्स के बाद एनसेड्स जो है वो किसी भी इंडिकेशन के तहत बहुत ज्यादा नहीं देने, और तो इसलिए इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में IV इंडोमेथासिन एनसेड्स देते हैं, यानी कि जब पैदा हो गया बच्चा तो इसको बंद हो जाना चाहिए, नहीं बंद हुई इंडोमेथासिन दे, बंद हो जाएगी, नहीं बंद हुई फिर सर्जिकल रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्टली इन द प्रीमेच्योर इन्फेंट्स और इन्फेंट्स बोर्न टू अ मदर हु हैड रूबेला ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जिसने MMR मीजल मम्स रूबेला वैक्सीनेशन लगवाई भी है उसको तो नहीं होगा, जिसने नहीं लगवाई भी उसको अगर होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में रूबेला, तो ये बहुत सारे कंजेंटल हार्ट इफेक्ट्स करता है। इसलिए जिसको नहीं लगी हुई वैक्सीनेशन, रूबेला वैक्सीनेशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग,
प्री प्रेगनेंसी अगर आप इसको लगवाएं 3 मंथ्स कॉन्ट्रासेप्शन करके फिर प्रेगनेंसी करें तो दैट्स बेटर. जिन लोगों को बचपन में एमएमआर नहीं लगी, जिनको लगी है उनको ठीक है. थ्रू द पीडीए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस फ्रॉम द एओर्टा टू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, एंड मिक्सेस विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच गोज टू द लंग्स. लंग वॉल्यूम, हर हाल में लंग्स का ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का रिस्क जो है वो बढ़ रहा है. ठीक है, तो अब तक आपको समझ आ गई ये कहाँ है, क्यों है, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, और अगर ये पेटेंट रह जाए तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, शंटिंग ऑफ ब्लड होगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, और वही होगा रिकरेंट पल्मोनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो भी होंगे. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कंजेशन, कंजेस्टेड ब्रीदिंग, ठीक है, एसओबी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कंजेस्टेड ब्रीदिंग, डिसइंटरेस्ट इन फीडिंग और टायर्ड बच्चा वाइल फीडिंग, पुअर ग्रोथ, स्वेटिंग. किपनिया का क्या मतलब होता है, हार्ट सॉरी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होना, बाउंडिंग पल्स, के पल्स जो है वो बड़ी हाई वॉल्यूम फील होती है. ठीक है, तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर. सारे कार्डियक डिफेक्ट के क्लिनिकल फीचर तकरीबन एक जैसे हैं, सारे कार्डियक डिफेक्ट के जो है वो डायग्नोसिस के इन्वेस्टिगेशन एक जैसी है. ठीक है, तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि इसकी शक्ल ये देखें, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये ओटा है, इसके दरमियान में ये कम्युनिकेशन होती है डक्टस आर्टेरियोसिस. तो बच्चा जब डिलीवर हो जाए, लंग्स अपना फंक्शन टेक ओवर कर लें, इसको बंद हो जाना चाहिए, नहीं होती तो अब जो है वो एओर्टा में प्रेशर ज्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी में कम है, वहां से ब्लड इसमें पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, लंग्स को ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, हाँ जी, ये जो है वो आफ्टर बर्थ दोनों ही को क्लोज हो जाना चाहिए. पहले तो वो फंक्शनली क्लोज होते हैं कि वहां से ब्लड ही नहीं जाता, तो फिर बाद में वो बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बंद ना हो तो ये दोनों डिफेक्ट्स हमें मिलेंगे. ठीक है, अच्छा, इसके बाद ऑस्कल्टेशन पे इसमें आता है मशीनरी मर्मर लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर रीजन में, लेफ्ट इंफ्राक्लेविकल, लेफ्ट साइड पे क्लेविकल के नीचे कॉन्टिन्यूस मशीनरी मर्मर. इसका मर्मर एएसडी का मर्मर कैसा था, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर. बीएसडी का मर्मर कैसा था, पैन सिस्टोलिक मर्मर. इसका मर्मर कैसा है, कॉन्टिन्यूस मशीनरी मर्मर. मेडिकल मैनेजमेंट में इसके हम इंडोमेथासीन आईवी, वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर. किस चीज ने ओपन रखा हुआ है, प्रोस्टाग्लैंडिन ने, इनहिबिटर दे बंद हो जाएगी. ठीक है, नहीं हुई तो इट क्या लिखा हुआ है कि मे हेल्प, अगर इससे बंद हो जाए आईवी जो है इंडोमेथासीन देने से तो अच्छी बात है. ठीक है, इट वर्क्स बाय स्टिम्युलेटिंग द मसल्स इनसाइड द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस टू कॉन्स्ट्रिक्ट, थेरबाय क्लोजिंग द कनेक्शन. ठीक है, इसके अलावा डिच डायुरेटिक्स, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हाई कैलोरी, फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क, वो तो अपनी जगह पे ग्रोथ रिटार्डेशन वाले उसके लिए जरूरी है ही, तो साथ में मेडिकल मैनेजमेंट. ठीक है, इन सब चीजों से भी क्लोज नहीं हुई तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी इसके लिए बेस्ट है. ठीक है, क्या रिस्की होते हैं, बिल्कुल रिस्की होते हैं, गारंटी जरा देखो बेटा, किसी की जिंदगी की भी नहीं है, हम जो इस छत के नीचे हैं हमें कोई गारंटी है, गारंटी तो किसी को भी नहीं है ना. और ये सब तो चीजें जो हैं वो एक कोशिश होती हैं, बाकी जो कोशिश बहुत अच्छी होनी चाहिए. देखो एक कुएं में एक मेंढक है, वो कितनी कोशिश कर सकता है, उसमें कहने का मकसद है कि इंसान की जो कोशिश है ना उसका एक दायरा है, लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे, लेकिन कोशिश वो कितनी, कोशिश भी उतनी जितनी अल्लाह को मंजूर है, कोशिश भी वो उसकी कोशिश का भी एक दायरा है ना, उसके बाहर निकल के वो कोशिश नहीं कर सकता, तो इसको फिर तकदीर कहते हैं. हाँ बिल्कुल, देखिए ना ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, इसका जवाब आप हर जगह से ढूंढें. ओके, लेकिन ये है कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने पूरी करनी है, जो आप जिस भी लेवल पे हैं, आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के लाना क्या है कि जहाँ आप बैठे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बेहतरीन पढ़ें और बेहतरीन ग्रेड लें, और पेरेंट्स आपके जो है वो जिनका अल्लाह ताला ने आप पे इतना हक रखा है वो आपसे खुश हों, ये आपने अगर ये काम कर लिया जहाँ आप बैठे हैं वहां पे आपने उस रोल को बहुत कामयाबी से निभा लिया, यू आर द बेस्ट, आपने वो काम कर लिया जो आपने करना था. ठीक है, उसके लिए ये नहीं कि आप जो है वो अब न्यूटन जो ग्रेविटी उसने वो की थी वो उसका काम था. ठीक है, तो अब हम जब तक वो नहीं करेंगे हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है. नहीं, जहां पे आप हैं अगर आपने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है तो आपने अपना हक अदा कर लिया, आगे से फिर जो है किसी बंदे ने भी अपने अमल पे तो
उसका वो होना नहीं, जब तक अल्लाह की रहमत ना हो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, सर्जिकल मैनेजमेंट फिर इसकी तो सबसे बेहतर क्या है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, ठीक है, कि हम परकुटेनियसली जाएं, जाएं कहाँ, एओर्टा में जाएं, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में ही तो कम्युनिकेशन है, ठीक है। इस ब्रेकियल आर्टरी रेडियल आर्टरी से हम एओर्टा में जा सकते हैं, जा सकते हैं, वहां से फिर एओर्टा से हम डक्टस आर्टेरियोसस को एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसमें फिर हम सेप्टल ऑक्लूडर या कॉइल होती है मेटेलिक स्पेशली डिजाइन, वो डाल देते हैं कॉइल, तो दो तीन दिन में वो बंद हो जाती है, ठीक है। या फिर ओपन हार्ट सर्जरी पे अगर किसी वजह से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है किसी कंट्री में, तो वहां पे फिर ओपन हार्ट सर्जरी होगी, ठीक है। पाकिस्तान में अवेलेबल है, होते हैं ये प्रोसीजर परकुटेनियस। तो उसके बाद जो है वो अगर ओपन पे करते हैं तो या तो स्टिच लगा दें, या वैसे ही है ना उसको कॉटराइज कर दें, ठीक है, या फिर उसको स्टिच लगा के बंद कर दें, ठीक है। तो ट्रांस कैथेटर कॉइल क्लोजर ऑफ द पीडीए, ट्रांस कैथेटर के ये जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के थ्रू जाते हैं। पीडीए लाइगेशन, लाइगेशन का क्या मतलब होता है, वेसल को बंद करना विद स्टिचेस और द वेसल कनेक्टिंग द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी में बी कट एंड कॉटराइज्ड, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीकों से उसको बंद करना, चाहे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी पे, चाहे फिर जो है वो कॉइल डालना इंटरवेंशन पे, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी पे कट लगा के उसको वेसल को कट करके कॉटराइज करना, या स्टिचेस के जरिए से उसको क्लोज करना, ठीक है। साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, दूसरी तरह की हार्ट डिजीजेस जो है वो क्या थे, जिनमें साइनोसिस होता है, ठीक है। तो ये कौन से हार्ट डिफेक्ट थे जिसमें कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। शंट प्रेजेंट इज प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज हेयर मिक्सिंग विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए सिम्टम्स और साइनोसिस शुरू में आना शुरू हो जाएगा, लीडिंग टू शंटिंग ऑफ वीनस ब्लड विदाउट पासिंग थ्रू द लंग्स टू बी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। वीनस ब्लड जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड है, वो ऑक्सीजनेट नहीं हो पाएगा, कैसे, ये आगे इसकी एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं। अनऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट्स इन द आर्टरीज एंड कॉजेस साइनोसिस, एग्जाम्पल्स आर टॉफ एंड डॉग, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बहुत सीरियस, बहुत बड़ा साइनोटिक कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट, इसमें एक नहीं इसमें चार चार प्रॉब्लम है। पीछे हमने क्या पढ़ा, एएसडीए की प्रॉब्लम था, वीएसडीए की प्रॉब्लम था, पीडीए एक ही जगह पे प्रॉब्लम था, बाकी सब चीजें ठीक थी, इसमें चार प्रॉब्लम है, इसलिए इसको टेट्रोलॉजी कहते हैं। फैलेट वो साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया, फर्स्ट डिस्क्राइब किया, टेट्रोलॉजी फोर, ठीक है। तो पहला डिफेक्ट क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी वेल्व जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, स्टेनोज्ड है, वेल्व की जो ओपनिंग है वो टाइट है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो पल्मोनरी वेल्व जो है वो था कहाँ, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान था। अब ये स्टेनोज्ड पल्मोनरी जो वेल्व है, इसमें ब्लड को पुश करने के लिए क्या राइट वेंट्रिकल को इंक्रीज वर्कलोड नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जो के बनाएगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। दो डिफेक्ट हो गए, दो हो गए। तीसरा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वो खुद अकेला ही इतना बड़ा डिफेक्ट था, कुछ आके इन सब चीजों के साथ भी आ गया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी। और तीसरा ये है कि एओर्टा साहब जहां नॉर्मल से निकल रहे थे वहां से नहीं निकल रहे, वो इस डिफेक्ट के बिल्कुल ऊपर से निकल रहे हैं, ये जो वीएसडी है इसके, एओर्टा इसके ऊपर आके बैठ गया, बजाय इसके कि वो राइट वेंट्रिकल में जहां नॉर्मली जहां से करता था, नॉर्मली प्रेजेंट होता था, नॉर्मली जहां से ओरिजिनेट करता था वहां से नहीं करता, इसके ऊपर से करता है, ओवरराइडिंग एओर्टा, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, एओर्टा विल अराइज जस्ट अबव द वीएसडी, इसलिए ये जो ब्लड की मिक्सिंग हो रहा है और मिला जुला सा गंदा मंदा ब्लड भी जा रहा है, एओर्टा उसको ले जाएगा, क्योंकि उसके बिल्कुल ऊपर से ओरिजिनेट कर रहा है। तो ये चार डिफेक्ट मिलकर बनाते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, फैलेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी वेल्व का स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट। नंबर वन, पल्मोनरी वेल्व का स्टेनोसिस, पल्मोनरी वेल्व को स्टेनोसिस तो नहीं होना चाहिए ना, तो उसको तो नॉर्मल होना चाहिए कि राइट वेंट्रिकल उसमें ब्लड को पुश करे तो आराम से पुश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वेल्व का स्टेनोसिस। अब इस स्टेनोज्ड वेल्व के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस स्टेनोज्ड वेल्व में से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पुश करने के लिए राइट वेंट्रिकल को ज्यादा वर्कलोड काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी,
तो दो डिफेक्ट्स क्या हुए, पल्मोनरी वेल्व का स्टेनोसिस और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तीसरा डिफेक्ट है वीएसडी। चौथा डिफेक्ट है ओवरराइटिंग एओर्टा, यानी कि एओर्टा विल ओरिजिनेट जस्ट अबव द वीएसडी। इसलिए यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ हो रही है उसकी मिक्सिंग, ठीक है। ये शंट वाला सारा मिक्स ब्लड जो है एओर्टा उठा के ले जाएगा सारी बॉडी में साइनोसिस, ठीक है। तो शंट यहाँ पे कहाँ से होगी, पहले तो राइट टू लेफ्ट होगी, लेकिन यहाँ ये है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो हो रही है वही ब्लड डायरेक्ट एओर्टा में जा रहा है। इसलिए देखिए एओर्टा के ब्लड को भी उन्होंने ब्लू वो दिया हुआ कलर, क्योंकि ये ब्लड भी प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड नहीं है, इस वजह से होगा साइनोसिस, ठीक है। तो ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस राइट वेंट्रिकल हैज टू वर्क हार्डर टू पुश द ब्लड इन टू द लंग्स, ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग द राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड साइज। ये राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर भी बढ़ेगा और साइज भी बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट फैसिलिटेट ब्लड टू पास फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड मिक्सिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। ये भी ठीक हो गया। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा क्या है, द एओर्टा सेट्स ओवर द वीएसडी, द एओर्टा अराइजेस जस्ट अबव द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, रादर देन जस्ट ओवर द लेफ्ट वेंट्रिकल। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल कैन फ्लो डायरेक्टली इनटू द एओर्टा। उसकी ऐसी जगह से ओरिजिनेशन है कि जहां राइट वेंट्रिकल के साथ उसका कनेक्शन ज्यादा बन रहा है, ठीक है, वो जस्ट वीएसडी के ऊपर से राइज कर रहा है, नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर से राइज नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो वीएसडी के ऊपर से राइज कर रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी लीड्स टू साइनोसिस। एओर्टा जब ऐसा ब्लड लेके जाएगा इट विल रिजल्ट इनटू ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ, ये जैसे बच्चा आपको नजर आ रहा है, लिप्स ब्लू हैं, एक्सट्रीमिटीज में हैंड्स और फीट ब्लू हैं, ठीक है, और जब क्राइंग और एक्टिविटी तो ये साइनोसिस और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। साइनोसिस विच इज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन लिप्स नेल्स नेल बेड्स दैट अकर विद क्राइंग और फीडिंग, जैसे ही एक्टिविटी ज्यादा होगी साइनोसिस आएगा, और अगर पहले से प्रेजेंट है साइनोसिस ज्यादा हो जाएगा। इरिटेबिलिटी डीऑक्सीजनेशन, ठीक है, हाइपोक्सिया, इरिटेबिलिटी, लिथार्जिक वीकनेस, रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, फेंटिंग, क्लबिंग ऑफ नेल्स एंड फिंगर, वो हर जगह पे क्लबिंग आएगी, जहां पे लंग्स इन्वॉल्व होंगे जहां पे साइनोसिस होगा हर उस जगह पे क्लबिंग आएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है। तो ये सारे साइनोसिस के साथ साथ ये सारे क्लिनिकल फीचर्स वी विल एक्सपीरियंस। ऑन ऑस्कल्टेशन एंड इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, जहां से हम चले थे वहीं हम आ गए, ठीक है, एएसडी में भी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर था और इसमें टेटोलॉजी ऑफ फैलेट में भी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है, इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट पैरास्टर्नल रीजन थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी इसमें हमें पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से मर्मर सुनाई देगा। जो वेल्वुलर हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं ना, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, कि जो है सारे वेल्व का स्टेनोसिस भी हो सकता है और सारे वेल्व की रीगर्जिटेशन भी हो सकती है, चार वेल्व है ना हार्ट के, तो उनका स्टेनोसिस भी हो सकता है और उनकी रीगर्जिटेशन भी हो सकती है, ठीक है, तो उसमें फिर मर्मर आते हैं। मैनेजमेंट इसकी क्या है, रिक्वायर्ड सर्जिकल रिपेयर यूजुअली अंडरटेकन एट 6 to 18 मंथ्स ऑफ एज, 6 माह से लेकर 1.5 साल तक की एज के दरमियान। 6 माह का क्यों, कुछ तो बच्चा इस काबिल हो जाए ना कि वो सर्जरी को विदस्टैंड कर सके। हाई मोर्टेलिटी है, इट इन्वॉल्व क्लोजर ऑफ वीएसडी, वीएसडी को क्लोज किया जाता है विद अ पैच टू करेक्ट द ओवरराइड एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस इज रिलीव। ये दो काम जब किए जाते हैं तो ये जो कंजेंटल ब्लड डिफेक्ट है ये बेहतर हो जाता है। क्या दो काम, कि वीएसडी को क्लोज किया जाता है और पल्मोनरी स्टेनोसिस को रिलीव किया जाता है, तो इनसे जो बाकी दो डिफेक्ट्स है वो भी बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो काम जब हम करेंगे तो चारों डिफेक्ट्स पे अच्छा असर पड़ेगा। पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस को ओपन अप करेंगे और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को क्लोज करेंगे तो ओवरराइडिंग वाला मसला भी हल हो जाएगा, वीएसडी वाला मसला भी हल हो जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी की स्टेनोसिस को जब रिलीव करेंगे तो जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इफ इट इज सक्सेसफुल, ये इंटरवेंशन फिर की जाती है, ये इसका ट्रीटमेंट है। लास्ट है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, बहुत ही खतरनाक साइनोटिक हार्ट डिजीज जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बार बार ऑक्सीजनेट होता जाता है और डीऑक्सीजनेटेड बार बार डीऑक्सीजनेट होता जाता है और दोनों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। वो कैसे, कि एओर्टा जो है उसने तो कनेक्ट होना था लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, और पल्मोनरी आर्टरी जिसने राइट से होना था वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एओर्टा ब्लड कहाँ लेके जाता है, ठीक है, सारी बॉडी में, और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, लंग्स में, तो ये काम जो है वो उल्टा हो जाएगा। द एओर्टा इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू
लेफ्ट वेंट्रिकल. सबसे पहली बात तो आप ये चीज याद रखिए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स. पल्मोनरी आर्टरी एक ग्रेट वेसल है, एओर्टा एक ग्रेट वेसल है. पल्मोनरी आर्टरी सारा ब्लड हार्ट से जो है वो लंग्स को लेके जा रही है फॉर ऑक्सीजनेशन, और एओर्टा जो है वो सारा ब्लड हार्ट से लेके जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पूरी की पूरी बॉडी को. ठीक है, अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे की जगह इन्होंने ले ली है. पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा की जगह लगी है और एओर्टा जो है वो पल्मोनरी आर्टरी की जगह लग गया है. ऑक्सीजन पुअर ब्लू ब्लड रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम फ्रॉम द बॉडी थ्रू द राइट एट्रियम एंड पासिस थ्रू द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इन टू द मिस कनेक्टेड एओर्टा बैक टू द बॉडी. ठीक है, और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है रिटर्न थ्रू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स पासिस थ्रू द लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल इन टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड बैक टू द लंग्स. जो ऑक्सीजनेट हुआ है वो उधर ही सर्कुलेट करता जा रहा है और जो डी ऑक्सीजनेट हुआ है वो उधर ही सर्कुलेट करता जा रहा है. उन दोनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है. तो अब हम क्या करें, अब हमें जो चीज हमें पसंद नहीं थी, एक एबनॉर्मेलिटी थी, अब वो यहाँ पे हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी. मैंने आपसे कहा है कि दोनों ब्लड में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो सीवियर साइनोसिस, सीवियर सिम्टम, बच्चा आईसीयू में जाएगा पैदा होते ही, और बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी और ये वो. अब हम क्या करेंगे, इंटरएट्रियल सेप्टम जो है इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी से, वो इंटरएट्रियल सेप्टम में खुद डिफेक्ट हम पैदा करेंगे ताकि कुछ तो ब्लड की मिक्सिंग हो. ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसिस को हम खुद पेटेंट रखेंगे ताकि ब्लड जो है थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें उन दोनों जगहों से मिल जाए. तो वो चीजें जो हमने हमें पसंद नहीं थी, वो हम उनको कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स कह रहे थे. यहाँ पे हम चाहते हैं कि पीडी अब क्लोज ना हो, ब्लड की कुछ मिक्सिंग होती रहे, कुछ तो बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो इसके फीचर्स क्या होंगे, साइनोसिस, ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन, लिप्स एंड नेल बेड्स दैट अकर विद सच एक्टिविटी एज क्राइंग और फीडिंग से और ज्यादा, जिस तरह टेटोलॉजी ऑफ फैलेट में हमने पढ़ा था. रैपिड एंड लेबर्ड ब्रीदिंग, हाइपोक्सिया है ना, तो उसको कवर करने के लिए रैपिड एंड लेबर्ड ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत ज्यादा बच्चे को, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, हाइपोटेंशन की वजह से, फेलियर टू थ्राइव, कोई ग्रोथ नहीं होती. एडमिटेड टू न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट भी हो सकता है. कार्डियक कैथेटराइजेशन के जरिए बलून एट्रियल सेप्टोस्टमी. ऑस्टमी का क्या मतलब होता है, सुराख बनाना. एक्टमी का क्या मतलब होता है, सर्जिकली रिमूवल करना. ठीक है, सेप्टोस्टमी टू मेक अ होल इन द सेप्टम, कौन सा सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम. आईवी प्रोस्टाग्लैंडिंस, आईवी प्रोस्टाग्लैंडिंस हम दे रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिंस थी ना जो उसमें उसको पेटेंट रखती थी, तो अब हम आईवी प्रोस्टाग्लैंडिन दे रहे हैं. बंद करने के लिए क्या दे रहे थे, इंडोमेथासिन या प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर. खुला रखने के लिए क्या दे रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन. बाय सेकंड वीक, इतनी जल्दी सर्जरी चाहिए होती है क्योंकि ये एक ऐसी कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है जो कि इनकम्पेटिबल विद लाइफ, इसके साथ ज्यादा अरसा बच्चा जिंदा ही नहीं रह सकता. सेकंड वीक ऑफ लाइफ में ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी आर्टरीज इनका रिपेयर किया जाता है. मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स विद वेरी हाई मोर्टेलिटी. ठीक है, बस चांस पे. ठीक है, तो ये चीजें जो कि हम पहले हमें उनको हम ट्रीट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम उन्हें खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ ऑक्सीजनेशन बॉडी की हो, और मीनवाइल सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में इसकी सर्जरी की जाती है. ठीक है, फिर उसका जो भी विद वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, फिर उसका जो भी आउटकम हो. ठीक है, एनी क्वेश्चन, ठीक है.